बहुत ज्यादा जाम हो गया है, बहुत ज्यादा जाम हो गया है, ऑटो वाले रास्ते में खड़े हैं, और दूसरी बात साइकिल रिक्शा बाजार में इतना भीड़ देख रहे हैं, देखिए नहीं, लेकिन चलने के लिए भी जगह होना चाहिए। ये दिवाली का सब भीड़ लगा हुआ है और त्योहार भी आ रहा है, दिवाली तो अभी एक हफ्ता बाद है, इसीलिए क्या है कि नहीं यहाँ पे पब्लिक ज्यादा बढ़ गई है और आम आदमी और ज्यादा मतलब आ गए हैं, तो इसलिए कि क्योंकि लोड देख करके और जनसंख्या ज्यादा भी हो गई, यहाँ मोहल्ले के आ गए, बागेजू के आ गए, जनसंख्या बढ़ गई, आइए आगे रास्ता अभी तो रोकी के खड़े हैं। अच्छा इसी तरह आप बोलते चलते हैं? बोलते चलते हम बताते भी आ रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले को कि भाई ये जो है जनता को जो है थोड़ा जाने आने की सुविधा दे, क्योंकि पैदल रियली लाइक इट। स्टेबिलाईजर का खर्चा टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबिलाईजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाईजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड इंडियाज नंबर वन स्टेबलाइजर। कल जो है चलने वाला बात सुनिए, ये सब परेशानी एक तरफ है। अंकल रुकिएगा, आप भी रुकिएगा, ये चुनाव में क्या है मामला? अभी चुनाव में मामला अभी ये आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले जो है यहाँ पे अपना अपना मतलब झंडा लेकर के जो है सब जगह गश्त लगा रहे हैं, और दूसरी बात वोट के लिए भी कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वोट आएगा कौन, अब आएगा क्यों, ये तो ऊपर भगवान की मर्जी है, ऊपर जनता जानती है, जनता जानती है, लेकिन हम तो दोनों तरफ से है, कांग्रेस से भी है बीजेपी से भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी बता ये इसलिए क्योंकि पार्टी वाले अपने साथ के जो फैमिली ग्रुप है अब उनको नहीं बता सकते कि वो किसको देंगे क्या देंगे माहौल। अच्छा एक बात खाली, एक सवाल का सही से जवाब, लंबा जवाब मत दीजिएगा, बहुत छोटा सा, आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी या फिर वही आएगी? हमको तो लग रहा है कि नहीं यहाँ तक सरकार वही रहेगी। आपको क्या लग रहा है? सरकार का तो नहीं बता सकते, दोनों पार्टियों का बराबर से लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बदलेगी कि वही आएगी, अब कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी बताइए, क्या हंस रही हैं आप? मैं आपको टीवी में देखी हूँ ना भैया, तो टीवी में देखते हैं ना आपको। अच्छा तो मैं बोले भैया को हम टीवी में देखते रहते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम यूपी के हैं। ओ मैं समझ गया, यूपी बिहार के तो ज्यादातर लोग वैसे तो हर जगह के देखते, तो ठीक लगता है ना? हाँ ठीक है, मैं पहले ही समझ गया क्योंकि आप लोग दूर से ही हंस रहे थे, तो मैं समझ गया कि लगता है। तो आप रहती यहाँ? हाँ जी। तो किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की। लाडली बहना का पानी रही हो क्या? हाँ जी, नहीं मैं तो यूपी की हूँ ना, कहाँ पाऊंगी। तो यहाँ कैसे रह रही? मैं आर्मी वाली हूँ, हम लोग आर्मी में रहते हैं, हस्बैंड फौज में, जबलपुर कैंट में रहती है। हाँ जी। चलिए ठीक है, अब मैं आपको जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में ले चलता हूँ।